अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आई एम मोहम्मद आसिम सुल्तान, लेक्चर इन बॉटनी, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अटक। डियर स्टूडेंट्स, हम सेल बायो के दो लेक्चर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है आपने उनको अच्छे तरीके से थॉरो स्टडी किया होगा और लेक्चर भी सुना होगा, पावर पॉइंट स्लाइड्स भी देखी होंगी। तो आज हम तीसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे बॉटनी पेपर सी का, और आज का हमारा लेक्चर जो है वो है डाइसैकेराइड्स के बारे में। लास्ट टाइम मैंने आपको मोनोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने डिटेल में स्टडी की थी मोनोसैकेराइड्स की, ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, एक्सोसिस, जितने भी थे सब की एग्जांपल पढ़ी थी। आज हम डाइसैकेराइड्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में और विद एग्जांपल्स। तो मोनोसैकेराइड्स के बाद जो नेक्स्ट मेन क्लास है वो कार्बोहाइड्रेट्स की, वो है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें कार्बन नंबर वेरी करता है फ्रॉम 2 to 10, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 कार्बन हो सकते हैं। अच्छा, अब इन ओलिगोसैकेराइड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं ना, वो डाइसैकेराइड्स होते हैं। डाइसैकेराइड आपको नाम से क्लियर हो गया होगा कि इसमें सिर्फ 2 शुगर यूनिट्स होते हैं, ठीक है। और इसमें जो नई चीज़ आएगी वो ये है कि मोनोसैकेराइड्स क्योंकि अकेला यूनिट होता था इसलिए उनमें बॉन्डिंग नहीं होती थी, लेकिन चूंकि डाइसैकेराइड ये हैं कि 2 शुगर यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है तो इनमें डेफिनेटली बॉन्ड के ज़रिए लिंक होंगे। वो बॉन्ड क्या होगा? वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है जो कि 2 मोनोसैकेराइड्स को आपस में लिंक करता है, और इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज हो जाता है। अच्छा, डाइसैकेराइड्स की एग्जांपल अगर दी जाए तो माल्टोज है, सुक्रोज है और लैक्टोज है। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स हैं। ये नीचे फिर मैंने आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की डेफिनेशन किया कि कोवलेंट बॉन्ड विच लिंक्स 2 मोनोसैकेराइड्स एंड रिलीज अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना के दिखाया हुआ है स्ट्रक्चर में। अगर आप ऊपर वाले 2 स्ट्रक्चर्स देखें गौर से तो लेफ़्ट साइड पे भी ग्लूकोज है, राइट साइड पे भी ग्लूकोज है, ठीक है जी। और नीचे आप देखें तो ये 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में यूनाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लेफ़्ट वाला ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ वाली कार्बन जो होती है, ये फर्स्ट कार्बन होती है, तो उसकी कार्बन 1, और जो राइट साइड वाला ग्लूकोज है उसकी कार्बन नंबर 4, ये आपस में बॉन्ड बना रही हैं, ठीक है। और इस बॉन्डिंग के नतीजे में जो है एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, एक ग्लूकोज से हाइड्रोजन रिलीज होगी, दूसरे ग्लूकोज से हाइड्रोक्सीजन रिलीज होगा, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन रिलीज होंगे। तो आप इस साइड पर देख रहे हैं प्लस वाटर लिखा हुआ है। तो जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है तो ये कोवलेंट लिंकेज है और इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। अब इस एग्जांपल में आपको क्या दिखाया हुआ है? 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में यूनाइट कर रहे हैं, दोनों मोनोमर्स हैं, और उनके यूनाइट करने के नतीजे में एक डाइसैकेराइड बन रहा है जिसको हम कहते हैं माल्टोस। तो माल्टोस क्या चीज़ है? 2 ग्लूकोज के यूनाइट करने से जो डाइसैकेराइड बनता है उसको माल्टोस कहते हैं। साथ एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। तो ये एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन है, इसको आप स्ट्रक्चरली आपको ये आनी चाहिए, इसको आप प्रैक्टिस करें। अब हम ज़रा प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि डाइसैकेराइड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी इनकी क्या है कि कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल शुगर्स। लास्ट टाइम ने मोनोसैकेराइड पढ़े थे, वो पहले एक यूनिट पर मुश्तमिल थे तो उनको मज़ीद हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता था, लेकिन इनको किया जा सकता है। और क्योंकि ये 2 शुगर यूनिट से मिलकर बने थे इसलिए हाइड्रोलाइसिस पे 2 मोनोसैकेराइड्स ही हमें देंगे, यील्ड होंगे। फॉर एग्जांपल सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। अब सुक्रोज की जब वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस की जाती है ना, तो इससे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज रिलीज होते हैं, क्योंकि सुक्रोज बना ही ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से है। तो जब इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो वही 2 चीज़ें ही यील्ड होंगी हमें। अच्छा, फिर ये कह रहा है कि यील्ड 2 मोनोसैकेराइड, सारी बात है डाइसैकेराइड 2 मोनोसैकेराइड यील्ड करते हैं, उसकी एग्जांपल पे आप ये सुक्रोज वाली दे सकते हैं। फिर इनकी एक और प्रॉपर्टी ये है कि ये लेस स्वीट इन टेस्ट है एज़ कम्पेयर टू मोनोसैकेराइड। इसी तरह लेस सॉल्युबल इन वाटर है एज़ कम्पेयर टू मोनोसैकेराइड्स। और ये
ट्रांसपोर्ट शुगर के तौर पर व्यक्त करते हैं, जिसकी बेस्ट एग्जांपल सुक्रोज है। सुक्रोज को हम ट्रांसपोर्ट शुगर भी कहते हैं। फ्लोएम में सुक्रोज के फॉर्म में शुगर ट्रांसपोर्ट होती है। फ्लोएम का आपको पता होगा, ज़ाइलम फ्लोएम, फ्लोएम जो है वो शुगर की ट्रांसपोर्ट करती है, ज़ाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास हम पढ़ेंगे तीन डाइसैकेराइड्स को डिटेल में स्टडी करेंगे आज, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। तो पहला जो डाइसैकेराइड हम डिस्कस करने लगे हैं वो है सुक्रोज। इसका कॉमन नेम टेबल शुगर है, क्योंकि ये हम कॉमनली घरों में यूज़ करते हैं। एक्सट्रैक्ट कहाँ से होती है? शुगर केन से, शुगर बीट से हमें हासिल होती है। बनती कैसे है? सुक्रोज फॉर्मेशन कैसे होती है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसमें कार्बन 1 किसकी यूज़ होगी? ग्लूकोज की। और कार्बन 2 किसकी यूज़ होगी? फ्रुक्टोज की। तो ये दोनों जब मॉलिक्यूल मिलेंगे, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा और सुक्रोज बनेगी। तो सुक्रोज दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है, वो क्या है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। और आपको पता है कि ग्लूकोज जो है वो एल्डोज शुगर है और वो पाइरानोज रिंग बनाता है, 6 कॉर्नर रिंग पाइरानोज रिंग होती है। जबकि फ्रुक्टोज जो है वो कीटो शुगर है और वो फ्यूरानोज रिंग बनाता है, और फ्यूरानोज रिंग जो है वो 5 कॉर्नर रिंग होती है। और इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा? सुक्रोज। तो ये इसकी फॉर्मेशन थी और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है, सुक्रोज फॉर्मेशन। आप देखेंगे रिंग फॉर्म में ग्लूकोपायरानोज है, दूसरी तरफ फ्रुक्टोफ्यूरानोज है। ये पायरानोज रिंग है, ये फ्यूरानोज रिंग है, फ्रुक्टोज की आपस में मिल रहे हैं। ग्लूकोज की कार्बन 1 है, फ्रुक्टोज की कार्बन नंबर 4 है। तो ये लिंकेज जो रहा है ये इसके ज़रिए नतीजे में आपको क्या बोले, सॉरी, ये फ्रुक्टोज की कार्बन नंबर 2 होगी। तो ये 1-2 लिंकेज होगा और वाटर मॉलिक्यूल इसमें रिलीज होगा, इस तरह से ये सुक्रोज बनेगा। ठीक है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल इसलिए नहीं रिलीज़ किया हुआ क्योंकि ये हमें स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि सुक्रोज का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर है, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज मिले हैं, तो उसके नतीजे में क्या बना है? सुक्रोज। तो ये स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, ट्राई करना। इन स्ट्रक्चर्स जितने भी हैं इन सब की हमने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डाइसैकेराइड हम डिस्कस करेंगे आज वो है लैक्टोज। लैक्टोज को हम कॉमनली मिल्क शुगर कहते हैं, मिल्क में इसकी प्रेजेंस है इस वजह से। और इसमें कौन सा लिंकेज होता है, ये किस लिंकेज के ज़रिए बनती है? ये जो 1-4 लिंकेज है, तो 1 कार्बन किसकी होगी? कार्बन नंबर 1 होगी गैलेक्टोज की, और कार्बन नंबर 4 होगी ग्लूकोज की। और इस दौरान भी वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो ये 1-4 लिंकेज है, यानी कि इसमें दो मोनोसैकेराइड हैं, गैलेक्टोज है, दूसरा ग्लूकोज है। गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज फॉर्म लैक्टोज, लैक्टोज बनाते हैं मिलके। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों ही एल्डोज शुगर हैं, और उनमें ज़ाहिर बात है फिर पाइरानोज रिंग होगी। स्ट्रक्चर देख लेते हैं लैक्टोज का। लेफ्ट साइड पे आपको गैलेक्टोज दिखाया हुआ है, राइट साइड पे आपको ग्लूकोज दिखाया हुआ है। दोनों रिंग की फॉर्म में, पाइरानोज रिंग है दोनों की। गैलेक्टोज की कार्बन 1 है, ग्लूकोज की कार्बन 4 है, 1-4 लिंकेज हो रहा है, और उसके नतीजे में लैक्टोज फॉर्मेशन हो रही है। तो ये लैक्टोज का आपको स्ट्रक्चर दिखाया हुआ। आखिरी जो डाइसैकेराइड है आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है माल्टोज। पहले इसकी फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। ये भी ग्लाइकोसिडिक 1-4 लिंकेज है। अब यहाँ पे कार्बन 1 किसकी होगी? ग्लूकोज की। और कार्बन 4 किसकी होगी? सेकंड ग्लूकोज की। क्योंकि माल्टोज हमने शुरू में भी डिस्कस किया था, माल्टोज का स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया था जब हमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज 2 ग्लूकोज का ही दिखाया था, वो एक्चुअल में माल्टोज बन रही थी। तो एक ग्लूकोज की पहली कार्बन, कार्बन 1, और दूसरे ग्लूकोज की फोर्थ कार्बन, इनके दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, जिसके नतीजे में माल्टोज फॉर्मेशन होती है। और आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और ग्लूकोज आपको पता है एल्डोज शुगर है और पाइरानोज रिंग होती है। अच्छा, तो ये तो था इसका फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर।
प्रॉपर्टीज़ क्या हैं माल्टोज की। ये ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है स्टार्च की। स्टार्च क्या चीज़ है, लास्ट टाइम पहले लेक्चर में शायद आपको मैंने बताया था, स्टार्च इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ये एक पॉलीसेकेराइड है। तो जब प्लांट्स के अंदर एक्सेस ग्लूकोज होता है तो उसको स्टार्च के फॉर्म में वो स्टोर कर लेते हैं, ठीक है जी। तो जब स्टार्च को ज़रूरत को ब्रेक डाउन की जाती है तो उसके रिजल्ट में माल्टोज प्रोड्यूस होती है। तो माल्टोज क्या है, ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च, और ये माल्टोज फिर एनर्जी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं प्लांट्स। तो नेक्स्ट पॉइंट देखें आप, इट इज़ फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड्स। अब जर्मिनेटिंग सीड्स में इसका क्या रोल है, जर्मिनेटिंग सीड्स को ज़रूरत होती है एनर्जी की, उनमें होती है स्टार्च स्टोर, वो जो स्टार्च स्टोर होती है उसकी ब्रेक डाउन की जाती है, और उसकी ब्रेक डाउन जब होती है उससे माल्टोज रिलीज होती है, माल्टोज को फिर एनर्जी पर्पज़ के लिए जर्मिनेटिंग सीड्स यूज़ करते हैं। और आखिरी पॉइंट क्या है कि बार्ले सीड्स में भी होती है जिस जो इसको स्वीटनेस देते हैं बार्ले को, और बार्ले बियर जो बनाने वाले लोग बियर ब्रूअर्स जो होते हैं वो बार्ले को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसका बियर इंडस्ट्री में भी इसका रोल आ गया, और बार्ले सीड को स्वीटनेस देने में इसका रोल है। ये तो माल्टोज का एंड पे हम स्ट्रक्चर देखेंगे। इस स्ट्रक्चर हमने शुरू में भी देखा था, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं, दोनों ग्लूकोज सिक्स कॉर्नर रिंग बना रहे हैं, यानी कि ग्लूकोपायरानोज, ये पायरानोज रिंग है। एक ग्लूकोज की कार्बन वन है लेफ्ट साइड वाले की, राइट साइड वाले ग्लूकोज की कार्बन फोर है, तो ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन रहा है। तो और उसके नतीजे में माल्टोज फॉर्मेशन हो रही है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा और समझ आया होगा। बाकी इसमें अगर मज़ीद आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो वो आप मुझसे ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप में। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम एक टॉपिक रह गया हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का, दैट इज़ पॉलीसेकेराइड्स, वो स्टार्ट करेंगे पॉलीसेकेराइड्स। तो टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।